सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज जिस स्वप्न का विश्लेषण जानेंगे वह है स्वप्न में कलावा मौली यानी रक्षा सूत्र बांधना। यदि आपने सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। हर वीडियो का लिंक आई बटन में भी दिया। प्रिय दर्शकों, स्वप्न में यदि आप मौली देखते हैं या रक्षा सूत्र देखते हैं तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। जिस प्रकार से वास्तविक जीवन में इसका बहुत महत्व है, उसी प्रकार से यह एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल स्वप्न होता है जो सभी लोगों को नहीं आता है और बहुत ही बिरले लोगों को आता है। कोई बिरला ही होता है जिसे सपने आते हैं। मुख्यतः ये स्वप्न उन लोगों को आते हैं जो साधनाओं से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि यह मेरा स्वयं का भी अनुभव है और मैंने अपने गुरु भाई बहनों के भी अनुभव बहुत ज्यादा इस विषय में सुने हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से सुने हैं। इन सपनों का फल भी प्राप्त किया है। तो आइए जानते हैं कि स्वप्न में यदि आप मौली कलावा या रक्षा सूत्र बांधते हुए देखते हैं, किसी को भी देखते हैं या स्वयं को दूसरों को बांधते हुए देखते हैं या कलावा देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, साधना से जुड़े हुए बच्चे हो, तो जो इस प्रकार के लोग यदि स्वप्न में मौली देखते हैं, उसका गोला देखते हैं मौली का पड़ा हुआ बहुत सारा, तो समझ लीजिए कि भविष्य में आप किसी ऐसे लंबे कर्म से जुड़ने वाले हैं, लंबे शुभ कर्म से जुड़ने वाले हैं जो आपके जीवन के अंत तक आपके साथ रहेगा। चाहे वह धर्म कर्म हो, चाहे आपका कोई ऐसी शिक्षा या फिर कोई डेली रूटीन, जैसे बहुत सारे लोग योगा को अपनी लाइफ में जोड़ना चाहते हैं और फिर उन्हें उसका डिवाइन अनुभव प्राप्त हो, या कोई भी ऐसा कर्म जो आपके साथ हमेशा लंबे समय तक रहेगा, यह अनुभव प्राप्त हुआ है और 100% प्राप्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति देखता है कि स्त्री पुरुष इसमें दोनों ही, यदि कोई देखता है कि उनके गुरु उनके हाथ में कलावा बांध रहे हैं, मौली बांध रहे हैं, तो समझ लीजिए यदि आप साधक हैं और उच्च स्तरीय साधनाएं अभी स्टार्ट नहीं की है, अभी आपकी साधारण साधनाएं चली है, तो निकट भविष्य में आपकी उच्च स्तरीय साधनाएं भी प्रारंभ होंगी। आपको आपके गुरु के द्वारा कोई नया मंत्र मिलेगा जिसकी आप साधना करेंगे। और यह स्वप्न जो सांसारिक लोग होते हैं, जो साधनाओं से नहीं जुड़े हैं, सिंपल जीवन को जीते हैं, बिजी लाइफ को जीते हैं, यदि उन्हें इस प्रकार का स्वप्न दिखाई दे कि उनके गुरु या फिर कोई भी उनके हाथ में कलावा बांध रहा है, तो समझिए आप भगवान की रक्षा एवं कृपा प्राप्त हो रही है। यानी आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस कारणवश ये स्वप्न आया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके गुरुदेव या आपके पितृ या जो भी आपके रक्षक हैं, भगवान है या आपका भाग्य है, वह आपकी रक्षा कर रहा है, आपका बचाव होगा किसी बुरी परिस्थिति से। यदि स्वप्न में कोई देखता है यह किसी अन्य को रक्षा सूत्र बांध रहा है, यह स्वप्न भी अत्यंत शुभ होता है। यह स्वप्न संकेत करता है कि आप एक अत्यंत पवित्र विचारधारा के व्यक्तित्व हैं और आप सभी का कल्याण चाहते हैं। आप जिसके प्रति शुभ भावना रखते हैं, वह शुभ भावना दूसरे व्यक्ति को लगेगी, उसका कल्याण होगा। यानी आपके दिए हुए आशीर्वाद या आपने किसी को मन से कोई वचन चाहा है कि उसका भला हो जाए, तो वह अवश्य होगा, यह स्वप्न संकेत करता है। यदि किसी व्यक्ति को स्वप्न में दिखाई दे कि उसका कलावा टूट गया है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत संभल कर रहना चाहिए, उन्हें कोई चोट लग सकती है या फिर किसी नुकसान का भय उन्हें सता सकता है, क्योंकि यह स्वप्न जिन लोगों को भी आया है, उन लोगों की या तो साधनाओं में विरोध उत्पन्न हुआ है, यानी पूजा पाठ भक्ति जो भी वे करते थे उसमें किसी कारण से विरोध उत्पन्न हुआ या उन्हें किसी प्रकार का नुकसान हुआ है। यदि स्वप्न में कोई व्यक्ति देखता है कि वह बहुत सारे कलावे खरीद रहा है, तो यह स्वप्न भी शुभ होता है। तो निकट भविष्य में ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई शुभ घटना घटित होती है या कोई शुभ कार्य संपन्न होता है। तो यह था मौली पर, रक्षा सूत्र पर स्वप्न विश्लेषण। धन्यवाद। जय गुरुदेव।